नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू दौरे पर रहे। दौरे के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल की बैठक भी की, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम के कारण राजौरी के डांगरी नहीं जा पाए, लेकिन परिजनों से फोन पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जम्मू के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आतंकियों के हर नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। राजौरी घटना की जांच एनआईए कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने दोनों घटनाओं में ये कि एक तीन घरों को जो निशाना बनाते हुए हिंदू घरों को निशाना बनाते हुए आतंकियों ने गोलीबारी की थी, एक वो और उसके बाद दूसरे ही दिन जो आईडी ब्लास्ट हुआ था, इन दोनों घटनाओं का जिक्र अमित शाह ने किया कि इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, जम्मू के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भी तैयार की गई है। तो आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा कि आज का दौरा जम्मू का अमित शाह के दूसरों के लिए ये दौरा किस तरीके से अहमियत का हामिल है, या फिर इससे कहा जाए कि ये दौरा किन मानों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि राजौरी में आतंकी गतिविधियां घटित हुई, आतंकी घटना घटित हुई, उसके बाद से पैदर पे सरगर्मियां भी बढ़ी। तो इन सरगर्मियों के माने क्या निकाले जाएं, किस जाने भी तमाम इशारे हो रहे हैं, आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाए हैं और इस पर चर्चा भी हुई है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। तो शुरुआत में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अमित शाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जम्मू दौरे के दौरान, तो उन्होंने किन बातों पर फोकस किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दे जल्दी से। कुलदीप खुड़ा साहब हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं। आपका स्वागत करते हैं, पैनल में शामिल होंगे। आपसे कुछ देर बाद आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होंगे, वरिंदर सिंह साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीडीपी का पक्ष रखेंगे और ये बताएंगे कि इस दौरे पर पीडीपी क्या स्टैंड रखती है। इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर दो खास मेहमानों को और आप देख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे दरमियान एडवोकेट आरएस पठानिया साहब होंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच होंगी, जो कि हमारी साथी अनुरिमा अरुणिमा, एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी न्यूज 18 नेटवर्क। तो आपसे कुछ देर बाद ये दो लोग हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चर्चा की शुरुआत करूं सबसे पहले, हम एक्चुअली अरुणिमा से जुड़ना चाहते थे लेकिन वो इस वक्त हमारे साथ है नहीं, तो मैं शुरुआत फॉर्मर डीजीपी कुलदीप साहब आपसे करना चाहती हूं। आज जम्मू का दौरा, 1 जनवरी को आतंकी घटना घटित हुई, फिर उसके बाद निवास स्थान पर दिल्ली में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के साथ, नेताओं के साथ चर्चा की, फिर उसके बाद जम्मू में बीजेपी की कई मीटिंगें हुई और आज जम्मू का ये दौरा, किस तरह से इस दौरे को आप देखते हैं, क्योंकि इस दौरे में कई बात कही है अमित शाह ने, उस बात को भी हम ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद दिखाएंगे, लेकिन इस दौरे को मौजूदा वक्त में किस तरह से देखा जाए। कुलदीप साहब देखिए, होम मिनिस्टर का वहां पे आना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसका जो अर्थ है कि दैट होम मिनिस्टर इज टेकिंग इट वेरी सीरियसली। एक मिनट, इसमें थोड़ा ऑडियो, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज कुलदीप साहब? आ रही है जी, आ रही है। तो उसमें हाँ, बस मोबाइल आ रहा है, इको आप ठीक कर सकते हैं इसमें। हाँ ठीक है, इको आ रहा है इसमें, इको को बंद किया जा रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने जो क्लियरली बता दिया कि सिक्योरिटी ग्रिड को हम मजबूत करने जा रहे हैं। हाँ, और तालमेल जो सिक्योरिटी एजेंसीज का जो एक फोकस में आया था, जिसमें आर्मी पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, बीएसएफ सीआरपीएफ, बीएसएफ तो खैर
इंटरनेशनल बॉर्डर पे हैं जी, लेकिन सीआरपीएफ साथ साथ में चलती है पुलिस के, तो इनके तालमेल में बढ़ाने की कोशिश और की जा रही है। और साथ साथ में जो इंसिडेंट्स दो हो गए उनका एनआईए और जम्मू पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। लेकिन वो सब छोड़ के एक इससे इंपॉर्टेंट मैसेज गई कि होम मिनिस्टर से बड़ी अथॉरिटी का आना और मौके पे वो डांगरी नहीं जा पाए मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन उन्हें जो अफेक्टेड परिवार थे उनसे बात की, उनका मॉरल बड़ा हाई था जी। और पुंछ और रजौरी के लोग वैसे ही बहुत ब्रेव है, उन्होंने इस टाइप के आतंक की डिजाइन पहले भी देखे हैं और उनका मुकाबला अच्छी तरह से किया है। तो हमें आश्वासन है, हमें पूरी उम्मीद है जी कि जो पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके जो इरादे हैं कि हाँ। जम्मू को इन्वॉल्व कर ले और खासतौर पर डांगरी इंसिडेंट को एक कम्युनल शक्ल इख्तियार देने की कोशिश की उन्होंने, ताकि यहाँ पे कम्युनल टेंशन बढ़ जाए, लेकिन वहां के लोग जो है रजौरी पूछ के उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा जवाब दे दिया पाकिस्तानी डिजाइन का। उन्होंने कोई कम्युनल वहां पे क्लैश नहीं होने दिया और उन्हें अपनी यकजहती कायम रखी और इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपना काम और आसान बना दिया। और साथ साथ में जो विलेज डिफेंस कमिटीज को वहां पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उनमें यंग एलिमेंट डाले जा रहे हैं। वो पहले भी देखा गया है कि विलेज डिफेंस कमिटी जहां पे ठीक तरह से काम कर रही हो वहां पे टेररिस्ट अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे मुझे आश्वासन है कि जम्मू की जो सुरक्षा है वो अब काफी मजबूत हो गई है और जो होम मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दे दी वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बिल्कुल, तो दो बातें आपने खास तौर पर मैं जाहिर करना चाहूंगी दर्शकों को कि फॉर्मर डीजीपी की तरफ से ये कहा गया कि जब किसी बड़े मिनिस्टर का दौरा होता है तो ये अपने आप में एक पैगाम देता है कि वो परिजनों के साथ हैं और साथ ही वो इस मुद्दे को लेकर कितने सीरियस हैं। पीडीपी इस दौरे को लेकर क्या सोचती है, क्या स्टैंड रखती है? वरिंदर साहब, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि अमित शाह का ये दौरा, जम्मू का जो दौरा था, हालांकि वो राजौरी नहीं जा पाए, मौसम खराब था, इस दौरे को पीडीपी कैसे देखती है? देखिए आसिया सन्ना जी, की माननीय होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी जम्मू दौरे पर आज आए थे। उनका जो कार्यक्रम था वो डांगरी के जो विक्टिम है उस परिवार से, उन परिवारों से मिलने के लिए वो आए थे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो उनके पास नहीं पहुंच पाए। सुना है जम्मू में उन्होंने उनके साथ, परिवारजनों के साथ पर फोन पर बात की है, लेकिन यह कि होम मिनिस्टर साहब जम्मू आए हैं, अच्छी बात है। होम मिनिस्टर हैं, जब भी वो आते हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद भी होती है, क्योंकि ये अभी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है ये डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री ही इसको डील कर रही है। जम्मू कश्मीर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के नीचे है, लेकिन आए वो दुखद घटना पर है जिससे पूरे जम्मू कश्मीर वासियों का दिल जो वो दहल चुका है, पूरे हिन्दुस्तान का दिल दहल चुका है। और खासतौर अगर मैं सुबह जम्मू की बात करूं, इस तरह का इंसिडेंट जो हुआ है इसमें जम्मू के लोगों के मन में दहशत है और जम्मू के लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मिलिटेंसी अब कश्मीर से तो थी या जम्मू में भी पनप रही है। लेकिन होम मिनिस्टर साहब आए हैं, होम मिनिस्टर साहब के आने से वाकया में एडमिनिस्ट्रेशन पर भी रहता है, और होम मिनिस्टर साहब आए हैं तो अच्छी बात, हो सकता है मौसम ठीक होता तो उन परिजनों से भी मिलते। लेकिन एक दो बातें यहां पर जो है जिनके ऊपर आज चर्चा करने की जरूरत है। माननीय कुलदीप खुड्डा साहब जो फॉर्मर डीजी हैं वो भी बता रहे थे, उन्होंने बड़ी विस्तार से इसके ऊपर बात की है जी। लेकिन बात यह है कि अगर मैं समझता हूं कि रजौरी पुंछ के लोगों ने जो आपसी भाईचारे की मिसाल पैदा की है इस घटना के बाद, हाँ। वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जो इस देश में माहौल है पिछले 7-8 सालों से, मैं ये क्लियर कहना चाहूंगा कि जिस तरह की राजनीति इस देश में पिछले 7-8 सालों से की जा रही है, तो उसके ऊपर रजौरी पुंछ के लोगों ने प्रहार जरूर किया, जवाब जरूर दिया कि हम सब एक हैं, देश हमारा है, देश में रहने वाले लोग सब एक हैं और हम सब लोग मिलकर मिलिटेंसी का मुकाबला करेंगे। मिलिटेंसी एक नसूर है, इस मिलिटेंसी की वजह से मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है, चाहे आम शहरी हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, उनकी अपनी जान यहां देनी पड़ी है। तो ये मिलिटेंसी, और मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मिलिटेंसी का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकी का कोई धर्म नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को मार दो। और दूसरी बात यहां बड़ी अहम है, यहां खुड्डा साहब ने बीडीसी का जिक्र किया है जी, क्योंकि जब से ये डांगरी का इंसिडेंट हुआ है तो पिछले 10-12-13 दिन से मैं खुद भी बहुत सारे चैनलों पर, आपके चैनल पर बहुत सारी बार इसके ऊपर बात हो चुकी है।
चलो आज अमित शाह जी के दौरे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक वीडीसी का तल्लक है, अभी वीडीसी की बात हुड्डा साहब ने की है, मुझे याद है आप ही के चैनल पर एसपी वेद साहब जो फॉर्मर डीजी थे, उन्होंने एक बार बताया इसी डिबेट में जी कि 95 में सबसे पहले वीडीसी मोहर तहसील में बनाई गई, तब वेद साहब जो थे वो एसएसपी रियासी थे, तब वो रियासी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था, हाँ। सॉरी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था, रियासी तब डिस्ट्रिक्ट नहीं था। तो आज मैं समझता हूं कि 95 में जो हालात थे जब मिलिटेंसी पूरी पीक पर थी, तो आज जम्मू कश्मीर के हालात उसी दशक में जा पहुंचे हैं। आज जो हमारा एक वादा था, जो हमारा एक स्लोगन था कि हमने कश्मीर मिलिटेंसी फ्री कर दिया है, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी खत्म कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह सरकार ये बातें कर रही है तो उसका मतलब ये है कि हम 90 के दहाके में पहुंच चुके हैं वापस। जो 20-25 साल तमाम पॉलिटिकल पार्टी और जम्मू कश्मीर के लोगों ने मेहनत की थी इस आतंकवाद से बाहर निकलने की, मुझे आज भी याद है जब 2001 और 2002 की बात है, ठीक है, जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी तो चुनाव जब हमने लड़के 2002 में सरकार बनाई थी, हम जब भी लोगों के पास जाते थे लोग यही बात करते थे, बिजली सड़क नाली रोजगार की कोई बात नहीं करता था, डेवलपमेंट की कोई बात, लोग कहते थे कि ना मिलिटेंट आएगा, वीडीसी बनाओ में तैयार हूं, मिलिटेंसी का मुकाबला करेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब ने 3 साल के कार्यकाल के दौरान जो चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने ये करके दिखाया जम्मू कश्मीर के हालात जो सामान्य किए, और उसमें जे एंड के पुलिस का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, खुड़ा साहब भी फार्मर डीजी हैं, वो भी रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल यहां प्ले किया, एसपी वेद साहब का रोल था। तो मैं समझता हूं कि आज जो जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, हम वापस 90 के दहाके में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो पीडीपी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, क्या वजह है कि हालात है वो 90s के कहीं ना कहीं उसी तरीके के हालात फिर से बना दिए गए हैं, इसीलिए वीडीसीज और मकामी लोग एक बार फिर से ये मांग करने लगे हैं कि उन्हें हथियार दिया जाए और ट्रेनिंग वो लेंगे सेना से। एक साथी हमारे साथ जुड़ चुकी जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, अरुणिमा एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी न्यूज नेटवर्क की, आपका स्वागत करते हैं। अरुणिमा, हमें आपसे शुरुआत में ही एक्चुअली जानना था, चूंकि आप देर से आप जुड़ी, तो मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि इस दौरे की, जम्मू दौरे की खास बात क्या लगी, क्या रही अमित शाह की? दो खास बात, मुझे ऐसा लग रहा था कि गृहमंत्री वहां जा रहे थे तो ना सिर्फ गृहमंत्री के तौर पर, हाँ, जिनको सारा सिक्योरिटी ग्रिड रिपोर्ट करता है, बट भारतीय जनता पार्टी के सबसे दो या तीन जो सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक बनकर भी जा रहे थे। ऑलरेडी बातचीत हो रही है कि कश्मीर में और जम्मू में इस साल चुनाव हो जाएंगे, हो सकता है स्प्रिंग तक ही ये चुनाव हो जाए, तो उसके बैकड्रॉप में जम्मू के नेताओं ने आकर गृहमंत्री से कहा था कि राजौरी इलाके में खास करके बहुत गुस्सा है कि इन आतंकवादियों ने ना सिर्फ उन पर गोलियां चलाई बल्कि उनकी प्लांटेड आईडी से 2 बच्चों की भी जान गई और अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। क्या वो अपने ही देश में फिर एक बार, और गृहमंत्री ने ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही कि कुछ पीड़ित परिवार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहां आए थे, और इन पीड़ितों ने न्यूज 18 को भी बताया कि हमने वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे, हमें लगा था हम यहां महफूज हैं, पर फिर एक बार यहां पे आतंकवादी आकर हमारे बच्चों की जाने ले रहे हैं और वो खुले घूम रहे हैं। तो गृहमंत्री का दौरा ये मैसेज देने के लिए बहुत जरूरी था कि आप थोड़ा सब्र रखिए, चाहे वो सिक्योरिटी ग्रिड हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो जैसे कि NIA, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, सब एक साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जा सके, इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सके। और जो दूसरा मैसेजिंग था सिक्योरिटी ग्रिड के रिव्यू मीटिंग के बाद कि आप हमें टाइम बाउंड, हम आपको टाइमलाइन बता रहे हैं और टाइम बाउंड तरीके से हम आपको बताएंगे कि कैसे जो हम कह रहे हैं वो अचीव करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पिछले 1.5 सालों में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई है राजौरी समेत, उन सबको प्रोब करने के लिए कहा गया है, और साथ ही सिक्योरिटी ग्रिड भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। बिल्कुल, तो जम्मू के लोगों को दिलाता हूं विश्वास और सुरक्षा है खास, इस तरह के दावे और बातें कहीं जम्मू दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने। भारतीय जनता पार्टी से भी हम जानने की मजीद कोशिश करेंगे कि इस हवाले से क्या कुछ काम चल रहा है, सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने की बात कही, 360 डिग्री सुरक्षा को बढ़ाने की बात अमित शाह ने इस दौरे के दौरान कही है, और साथ ही साथ जो पीडीपी ने सवाल उठाए हैं वो भी सवाल हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक रुकेंगे प्राइम डिबेट इंडिया में और जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। प्राइम डिबेट इंडिया देख रहे हैं आप। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे की, और जम्मू दौरे के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजौरी के पीड़ितों के, डांगरी के पीड़ितों से उन्हें बातचीत करनी थी, मुलाकात करनी थी, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। लिहाजा गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कुलदीप साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आना चाहूंगी। पीडीपी ने कहा कि जो 90s में हालात थे, अगर मौजूदा वक्त में लोग ये मांग करते हैं कि उन्हें फिर से हथियार दिया जाए और वो मिलिटेंसी और आतंकवाद या दहशतगर्दी का वो मुकाबला करेंगे, तो क्या ये ना माना जाए कि 90 की दहाई में ये पहुंचा चुके हैं हमें? ये इल्जाम लगा रहे, आरोप लगा रहे वरिंदर सिंह साहब। आप फॉर्मर डीजीपी हैं, एक सिस्टम में रह के काम भी कर चुके हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या हालात वाकई में 90s जैसे हो रहे हैं? देखिए, जो डोडा रीजन है और पुंछ रजौरी रीजन है, इसमें 90 में हालात ठीक थे। इधर टेररिज्म 93-94 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसमें माइनॉरिटीज को जब टारगेट किया गया, स्पेशली भद्रवा एरिया में, वहां पे काफी माइग्रेशन होती थी माइनॉरिटीज की, जैसे कश्मीर में हो रही थी, वो टाउन की तरफ आते थे, बाद में उनको वापस भेजा जाता था सुरक्षा के साथ। लेकिन उसका हल ऐसे टेरेन में सिर्फ बीडीसी था, तो बीडीसी जब क्रिएट की गई उसके बाद ये सारी माइग्रेशन रुक गई और लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया, और उसका नतीजा ये है कि जम्मू रीजन से, किसी भी इलाके से माइग्रेशन जम्मू की तरफ, जम्मू सिटी की तरफ नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, और उन दिनों हालात बड़े अलग टाइप के थे। उन दिनों बहुत इंसिडेंट होते थे, बहुत तो वहां पर माइनॉरिटी किलिंग हुई, माहौल जो था वो बाकी दहशत का था। अब की बार ये एक इंसिडेंट हो गया जिसमें पाकिस्तान ने फिर रिवाइव करने की कोशिश की। उनका मकसद ये था, मिलिटेंसी से ज्यादा उनका मकसद इसमें ये था कि यहाँ कम्युनल टेंशन बढ़ जाए और उसका वो फायदा ले सके, और दो कम्युनिटीज में आपस में सस्पिशन क्रिएट हुआ जाए। लेकिन उसमें वो लोगों की जो मैच्योरिटी है उससे वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो अब होम मिनिस्टर ने खुद आके यहाँ पे हालात का जायजा लिया और इंस्ट्रक्शंस दे दी, बीडीसी जो थोड़ी कमजोर हुई थी, जिसमें लोग थिनिंग कर हो गई थी टाइम टू टाइम, जो लोग किसी एज तक पहुंचते थे वो बीडीसी से बाहर जाते थे, उनकी जगह पर नए लड़के नहीं लिए गए थे, अब उसमें लिए गए हैं। और उसमें एक डिसीजन ये भी हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स SLR की सूरत में दिए जा सकते हैं। तो इससे लोगों में एक बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई है, और साथ साथ में जो एक तालमेल पे होम मिनिस्टर ने जोर दिया, और मैं खास तौर पे इसको अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि तालमेल जब तक ठीक नहीं होगा जी, तब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सुरक्षा एजेंसीज आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस, ज्वाइंट ऑपरेशंस पर जोर दे दे जी, तो ऐसे इंसिडेंट नहीं होंगे। और जिस तरह से हालात को टैकल किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के इंसिडेंट्स में पाकिस्तान कामयाब होगा, और जम्मू के लोग वैसे ही अमन चाहते हैं जी। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे छोटे मोटे इंसिडेंट हो सकते हैं, जम्मू रीजन को इस्तेमाल करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल उठने लगा था कि कश्मीर में दहशत फैलाने के बाद क्या अब आतंकियों की राडार पर जम्मू डिवीजन है? तो बहुत सारे जो सुरक्षा एक्सपर्ट है उनका भी ये मानना है कि एक घटना अगर घटित होती है तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब जम्मू राडार पर है आतंकियों के। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जम्मू हमेशा राडार पर रह चुका है, हाँ। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों ने मिलकर मुकाबला किया आतंकियों का, और कश्मीर में ये डिफरेंस है कि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मेनली काम किया, तो इससे जम्मू में जल्दी पीस रेस्टोर हो गई और उसमें कोई डेंट होने का कोई खतरा नहीं है जो हमने अभी देखा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जम्मू में वो अपने हरबों में कामयाब होंगे, लेकिन कश्मीर में जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है जिसके जरिए उनको शेल्टर मिलता है जी, जिसके जरिए में उनके फाइनेंशियल चैनल चलते हैं जी, उन पर जो NIA ने कार्रवाइयां की है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की गई है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग में, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उससे काफी उस पर अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी फंड्स फ्लो आतंकियों को जारी है, अभी भी उनको वहां पर शेल्टर मिल रहा है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है होम मिनिस्ट्री से,
कि एनआईए को कश्मीर में खासतौर पर और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से वहां पे फेल हो जाए अपने मंसूबों में। जम्मू और कश्मीर का आपस में कंपैरिजन करना यहां पे मुझे सिक्योरिटी के एंगल से बराबरी का नहीं लगता है। ठीक है, जम्मू की सिचुएशन डिफरेंट है, कश्मीर की सिचुएशन डिफरेंट है, और जब कश्मीर में भी दहशत का माहौल जो आप बात कर रहे हैं जी, वहां पे वो सॉफ्ट टारगेट्स को किलिंग कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बहुत आतंकी लीडर मारे गए, सक्सेसेस बहुत मिली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को वहां पे, इसलिए पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्स का मुकाबला ना करते हुए उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढे। उसमें भी अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसमें और स्टेप्स लेने की जरूरत है, जैसे जो एम्प्लॉयज है वहां पे माइनॉरिटी के, उनके लिए एक सुरक्षा का माहौल बनाना है, उसमें कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। कुछ स्टेप्स लिए जाने पर ये माइनॉरिटी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार 200 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और वो धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इस को लेकर अभी दिल्ली में भी बैठक हुई थी तो कहीं ना कहीं रणनीति कहा कि तैयार की जा रही, जल्द ही इस हवाले से कोई ना कोई नोटिफिकेशन या फिर फैसला लिया जाएगा। वरिंदर साहब, अभी आपने फॉर्मर डीजीपी को सुना, कुलदीप साहब को सुना, उन्होंने कहा कि जो आप 94 या 90s की बात कर रहे थे कि उस वक्त जो हालात थे वो अभी के हो गए हैं, लेकिन आपने सीधे तौर पर सुना कि वैसा कुछ अभी का जो मौजूदा हालात है वो बयान ऐसा नहीं हो रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कुछ, तो आप दोनों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं। देखिए ऐसे है, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो हमें सामने नजर आ रही है। सात हमारे भाई रजौरी पुंछ रजौरी के डांगरी गांव में मार दिए जाते हैं, ये चेक करके उनका आधार कार्ड चेक करके जो हमने मीडिया से खबर ये सुनी है, तो ये बताइए ये हालात कैसे हैं, इसके ऊपर चिंता हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सिलेड़ा में एनकाउंटर होता है, दिन दिहाड़े में पता चलता है वहां मिलिटेंट आ गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना काम किया, चारों मिलिटेंटों को मार गिराया, तो अगर वो कार्रवाई करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें बताइए कि आज जम्मू में दहशत है कि नहीं है। उधमपुर में ब्लास्ट होते हैं, रेगुलर ब्लास्ट होते हैं 2 दिनों में, उसमें बताइए हमें कि हमारे दहशत। हम तो ये कहते हैं कि जो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, अगर खुड्डा साहब अभी कह रहे थे कि जम्मू में ऐसा नहीं है, तो भाई हमें तो ऐसा नजर आ रहा है, ठीक कह रहे हो अपने हिसाब से कि हाँ। जम्मू में पहले मिलिटेंसी नहीं थी, लेकिन आज तो मिलिटेंसी हमें नजर आ रही है ना, तो इसके ऊपर हमने चिंता तो करनी है क्योंकि रहना तो हमने जम्मू में है। और मैं ये कहता हूं कि आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नुकसान किया। और दूसरी बात, आपने खुद एक अहम सवाल इसमें उठाया है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का, आपने खुद कहा। अब मुझे बताइए कि कितना अच्छा होता कि अगर जो हमारे भाई वो धरने पर बैठे हैं पिछले 7 महीने से इधर बैठे, उनकी सैलरी बंद की गई है भाई, पहली सरकारों ने तो फिर भी उन्हें रोजगार दिया, इस सरकार से उनको सिक्योरिटी मुहैया नहीं कराई जा पा रही है, तो एक चीज तो समझनी चाहिए ना हमें, मतलब हम मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर के लोग कंफ्यूज है, ठीक है, जिस चीज को समझ, अब सरकार को जिस चीज उनको समझानी चाहिए ना कि वो कहते हैं, आपने कहा कि जो राजौरी के डांगरी में आतंकी घटना घटित हुई वहां पर कम्युनल रंग नहीं हो पाया, तो क्या आपका इसके पीछे ये भी कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पर भी कुछ कहते। देखिए बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से जैसे खुड्डा साहब अभी कह रहे थे कि हाँ, जल्दी उनकी से उनकी कोशिश थी कि यहां कम्युनल फसाद किया जाए, तो लेकिन रजौरी पुंछ के लोगों ने आपसी भाईचारे का सबूत दिया है, इसका ये मिसाल है कि जम्मू कश्मीर में कम्युनलिज्म की कोई जगह नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे आज इस डिबेट में, हालांकि आखिर में जुड़े हैं, तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ क्योंकि कई सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिंदर सिंह साहब हैं, खुड़ा साहब हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, मैं जानना चाहती हूँ कि आज जो अमित शाह जी ने कहा दौरे के दौरान, इस दौरे पर उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, वही वरिंदर साहब का ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि दौरा किया, लेकिन उन्हें जो माइनॉरिटीज के पीएम पैकेज के तहत जो कर्मचारी हैं जो अभी धरने पर बैठे हैं उनको लेकर भी कुछ बात कहनी चाहिए थी, उनकी सैलरीज रिलीज करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो सभी न्यूज 18 के दर्शकों को नमस्कार, और मैं माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा कि मैं एक फारफ्लंग एरिया में हूँ, यहाँ पे टोटल पावर बिल्कुल क्लियर है, नेट का भी एक बिल्कुल एक एरेटिक है, तो मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। देखें ऐसा है कि मैं हमारा एक कंसिडर्ड जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट है जी, एक बदले राजनीतिक और एक बदले हुए जियो पोलिटिकल माहौल में, विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद के माहौल में, विशेषकर
भारत G20 का लीडर बना है, विशेषकर जिसे कहते हैं क्वाड मीन की भारत और क्वाड का छोटा सा एक लाइनर में अगर क्वाड को डिफाइन करना हो तो भारत और यूएस के आपस में जो रिलेशन का एक नया चैप्टर, एक नया इतिहास लिखा गया है और हर एक फ्रंट पे जिसे कहते हैं भारत, और सबसे बड़ी बात है इस विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े लीडर उभर के आए इन माहौल में। अब आंकड़ों की बात अगर करें तो मैं बार बार कह चुका हूं कि ठीक है पीपल्स डेमोक्रेटिक वाले पार्टी को उनका व्यू पॉइंट है, एनसी का नहीं, देखिए वो पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का, आप सियासी राजनीतिक पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप बात कर रहे हैं अपनी, सही है, लेकिन जो सवाल वाजिब उठाया जा रहा है उसका जवाब तो भी आपको देना पड़ेगा ना। अब वो ये कह रहे हैं या फिर अभी कुछ दिनों पहले हमारे डिबेट का हिस्सा थे आप भी, और जो पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे कर्मचारी वो भी हिस्सा थे। आपने कहा था कि पॉलिसी कुछ बनाई जाएगी, सैलरीज रिलीज करने की बात भी कहती गई, लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाएगी वो बात, तो वही सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। आप इतना दूर से बताइए, सीधे तौर पर जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम है। पठानिया साहब, मैं डायरेक्टली आपके उसी इस पे आता हूँ। सबसे पहले मैं जिस विषय में बात कर रहा था कि डिफेंस रिलेटेड और सिक्योरिटी रिलेटेड विषय में जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी कंसिडरेबल जिसे कहते हैं अचीवमेंट ली। जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जम्मू में काफी सारे लाइव इश्यूज हैं, कुछ मुलाजमीन रह रहे केल रह रहे जिसे कहते हैं जंगलात, और खासकर पीएम पैकेज रिजर्व क्लास मुलाजमीन वाले वो सड़कों पर है, मुलाजमों को अपनी जगह पे होना चाहिए, सड़कों पर नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पेसिफिक स्टैंड ना सिर्फ बल्कि दिल्ली में भी जिसे कहते हैं कन्वे किया है जी। और हमने आपके माध्यम से भी बार बार, क्योंकि आप जमीन पर रहते हैं और अमित शाह जी दिल्ली से जम्मू पहुंचे हैं, तो इस दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ तासुरात मिल पा रहे? देखें सबसे पहले तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का जो स्टेटमेंट है पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए की मेजोरिटी मुलाजमीन की तनख्वाह रिलीज के अध्यादेश जिसे कहते हैं ऑर्डर दे दिए गए जी। दौरे को लेकर मेरा सवाल था कि आप जमीन पर रहते हैं, जमीन लोगों से बातचीत करते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, राजौरी भी आप जा चुके हैं वहां से मुलाकात की परिजनों से, तो इस दौरे के बाद अब किस तरह के अपनेपन को जाहिर कर रहे हैं जम्मू के लोग, ये हम जानना चाहते थे। बहरहाल इसका जवाब अब हम नहीं ले पाएंगे आपसे, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वरिंदर साहब आपका, आज पठानिया साहब, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, और साथ ही साथ कुलदीप साहब आपका भी। आज बड़े अच्छे ही नोट पर इस डिबेट का इख्तिताम हो रहा है कि दोषियों की जो घटना, दोषियों की तरफ से जो घटना घटित की गई उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनकी खैर नहीं है। अपनेपन का एक तरीके से मैसेज दिया है अमित शाह ने जम्मू दौरे के दौरान। फिलहाल इसी के साथ इस प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज 18 जे के एल एच। नमस्कार।